दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के सबसे बड़े दुश्मन सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई के बारे में। ये बहुत छोटे जीव होते हैं जो अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई जगह तो देखा गया है कि ये किसान की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन कीटों से समाधान के बारे में जानने से पहले आइए पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि व्हाइट फ्लाई से ज्यादा खतरनाक उसके बच्चे होते हैं, जो आपकी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल ये अपना भोजन पौधों के पत्तों से लेते हैं। ये पत्तों से सारा रस चूस जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि में भारी कमी आ जाती है। ये तो था पहला नुकसान। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की। व्हाइट फ्लाई एक तरह का सफेद पदार्थ निकालती है, जिसे हनी डियो कहते हैं। ये हनी डियो फंगस के खाने का पदार्थ है। फंगस को जहाँ ये मिलता है वो वहीं रुक जाती है। फिर वो फंगस आपके पौधे के पत्तों पर एक परत बना देती है, जिससे पत्ते को प्रकाश लेशन क्रिया करने में मुश्किल होती है, जिससे पत्ते काले का पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे भोजन के अभाव में पौधा नष्ट हो जाता है। व्हाइट फ्लाई से होने वाला तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि ये वायरस को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। वायरस हमारे चारों ओर के वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे कि इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है, ये जीवित हो जाते हैं और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस स्वयं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसे किसी न किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। व्हाइट फ्लाई जब एक पौधे से रस चूसकर दूसरे पौधे पर जाती है, तो वायरस को भी अपने साथ दूसरे पौधे पर ले जाती है। इस तरह धीरे धीरे वायरस भी पूरी फसल में फैलकर हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन सभी समस्याओं से समाधान के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है पावर प्लैनेट वायरोहिट। वायरोहिट पौधों के रस से तैयार किया गया है। वायरोहिट पौधे के तत्व में पूरी तरह फैल जाता है। जैसे ही व्हाइट फ्लाई वायरोहिट के संपर्क में आती है, वे उसी वक्त पौधों को नुकसान पहुंचाना बंद कर देती है। भोजन ना करने के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा फसल के बेहतरीन विकास में मदद करने के साथ साथ लंबे समय तक व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करता है। इसका इस्तेमाल 2 से 3 मिलीलीटर पानी में फोलियर स्प्रे से 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। वायरोहिट का काम करे सफेद मक्खी का काम तमाम।